Hello students. Vishakam I am here with our EVS fun lesson. Uh, lesson number seventeen, Clause seven, necessity. Okay, students. In our last lecture, we also completed our lesson. So this time we take its question and answer. So without wasting our time, let's start. <coughs> lesson number seventeen, Clause seven, necessity. Kapare Hamari Okay. Question number one. With the names names of those objects in the list below that you

टिफिन बॉक्स ओके विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स विल यू यूज यूर सेल्फ विच ऑफ़ दिस ऑब्जेक्ट्स विल यू यूज यूर सेल्फ आपके लिए इसमें से कौन से आप यूज़ करोगे आंसर फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ओन नीचे कुछ दिए गए ऑब्जेक्ट वो मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू ओन हर एक का आंसर अलग हो सकता है क्योंकि आपको कुछ भी लगेगा कि मैं कुछ भी ओन कर सकता हूँ सो माई आंसर इज फर्स्ट वाटर बॉटल बायसिकल बॉल टिफिन बॉक्स एंड मार्बल्स ये मैं बाई करना चाहती हूँ मैं वो करना चाहती हूँ आपका आंसर अलग हो सकता है ये मैं बार बार बोल रही हूँ ओके क्वेश्चन नंबर टू मेक अ नोट ऑफ क्लोथ्स यू चूज टू वेयर ऑन अ ट्रेडिशनल डे मेक अ नोट ऑफ क्लोथ्स ऐसे कपड़ों का नोट करो मतलब ऐसे कपड़ों के बारे में बताओ यू चूज टू वेयर ऑन अ ट्रेडिशनल डे ट्रेडिशनल डे में आप क्या वेयर करोगे तो देखो मैं लेडी हूं मैं वुमन हूं मैं महाराष्ट्र हूं तो मेरा आंसर क्या है आंसर नववारी साड़ी इज द ट्रेडिशनल वेयर ऑफ महाराष्ट्र सो आई वुड लाइक टू वेयर नववारी साड़ी ऑन ट्रेडिशनल डे आप अगर बंगाली हो तो आप बंगाली बोलोगे आप गुजराती हो तो बांधनी बोलोगे केरला साउथ हो तो आप साउथ आपका चॉइस रहेगा ओके सो आवर आंसर नववारी साड़ी इज द ट्रेडिशनल वेयर ऑफ महाराष्ट्र ई वुड लाइक टू वियर ऑन ट्रेडिशनल डे थर्ड नंबर इन द टेबल बिलो राइट द नेम्स ऑफ द फैब्रिक्स गार्मेंट्स दे आर फेमस फॉर आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन द नेम्स ऑफ सम स्टेट आर गिवन बिलो कुछ स्टेट्स के नाम नीचे दिए गए हैं राइट द नेम्स ऑफ द फैब्रिक्स और गारमेंट्स दे आर फेमस फॉर ऐसे कोई फैब्रिक्स और गारमेंट्स का नाम लिखो जिसके लिए ये स्टेट्स फेमस है तो देखो स्टेट्स और फैब फैब्रिक गारमेंट्स या दिखाई गए तो पहला है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में फेमस क्या है भाई धोती कुर्ता पैठनी नवारी साड़ी फेटा एक्सेट्रा मतलब और बहुत कुछ रह गए पायजामा वगैरह रहता है ना ये तो महाराष्ट्र में ये फेमस है क्या धोती कुर्ता पैठनी नवारी साड़ी फेटा एंड एक्सेट्रा आप स्क्रीनशॉट लेना है हरेका का क्योंकि ये आपको होमवर्क में मुझे वापस देना है गुजरात गुजरात में क्या है देखो घाघरा चोली ओडनी बांधनी सिल्क सारी पटोला सिल्क सारी एक्सेट्रा और भी गुजरात कुछ फेमस रहेगा तो गुजरात में क्या क्या है घाघरा चोली ओडनी बांधनी सिल्क सारी पटोला सिल्क साड़ी एक्सेट्रा देन पंजाब पंजाब में क्या फेमस है देखते हैं फेमस मतलब क्या है इधर क्या लिखना है फैब्रिक्स गारमेंट्स वहाँ क्या बनते हैं पंजाब में क्या है कुर्ता पैजामा सलवार कमीज पटियाला सिल्क साड़ी एक्सेट्रा पंजाब में क्या क्या होता है कुर्ता पैजामा सलवार कमीज़ पटियाला सिल्क साड़ी एंड एक्सेट्रा ओडिशा उड़ीसा में क्या हो? कौन सा फैब्रिक्स होता है देखते हैं कुर्ता गमचा संबलपुरी साड़ी बोमकारी साड़ी एक्सेट्रा ये सारी के नाम मैंने भी पहली बार सुने हैं बाद में सर्च करेंगे ये एक्चुअली होता गया तो यहाँ कौन सा फैब्रिक रहता है उड़ीसा में कुर्ता गमछा संबलपुरी साड़ी बुमकारी साड़ी एक्सेट्रा नेट पे सर्च करो पता चलेगा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में क्या होता है देखो धोती क्या पंजाब साड़ी कंथा साड़ी एक्सेट्रा वेस्ट बंगाल में क्या क्या रहता है धोती धोती तो बंगाल में रहते हैं महाराष्ट्र लोगों जैसा फिर पंजाब साड़ी देन कंथा साड़ी एक्सेड्रा और लास्ट का है जो यहाँ ओके कर्नाटका कर्नाटका का फेमस फैब्रिक्स क्या है लुंगी कुर्ता वलकलम सिल्क साड़ी मैसूर सिल्क साड़ी सिफोन सिल्क साड़ी ओके तो कर्नाटका का फेमस क्या क्या है लुंगी कुर्ता वेलकल वलकलम सिल्क साड़ी मैसूर सिल्क साड़ी शिफोन सिल्क साड़ी कुछ नाम मैंने भी पहली बार सुने इसलिए गड़बड़ हो रहा है ओके सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट कम्प्लेट्स क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ अवर न्यू टॉपिक तब तक के लिस्ट ऑमट हेल्थ द एंड वर्क फ्रॉम होम और एक बात याद रखना अपनी नोटबुक निकालना पेंसिल निकालना और ये सब क्वेश्चन आंसर लिख कर मुझे मेरे व्हाट्सअप पे या हमारे स्कूल के ग्रुप पे मुझे सेंड करना है ओके Here I stop. Next time we will meet with our new topic. Okay, bye bye.